दिस इज कुशाग। सो वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में गाइस। तो ये है पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट पहले कवर कर चुके हैं। सो गाइस, ये पार्ट 2 क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट का, साइंस एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गाइस। ये जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे पार्ट 2 है, पार्ट 2 का ये फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती है। मैटर की गाइस 3 स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है गाइस, देखिए 3 होती तो है। देखिए, ये सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 स्टेट है मैटर की। पर ये क्या है, ओल्ड 3 स्टेट है मैटर की। ये क्या है, ओल्ड 3 स्टेट है। और न्यू स्टेट क्या है गाइस, मैटर की जो न्यू स्टेट है वो है प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू क्या है प्लाज्मा, बीईसी, और ओल्ड क्या है सॉलिड लिक्विड गैस। गाइस ये आपको एक याद रखना है कि ये जो है ये ओल्ड, ये न्यू। सो गाइस पढ़ दीजिए, अब हम इन्हें सबको डिटेल में पढ़ते हैं गाइस। देखिए सॉलिड क्या होती है गाइस, सॉलिड में आप देखेंगे कि सॉलिड की डेफिनेट शेप यानी कि इसकी एकदम डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप, अगर हम इसे कहीं पर रखेंगे तो अपनी शेप चेंज नहीं करता है। सॉलिड जो होता है अपनी स्टेट शेप नहीं चेंज करता है। सो गाइस पर देखिए, अभी सॉलिड जो है, सॉलिड डेफिनेट बाउंड्री इसकी क्या होती है, सॉलिड की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। डेफिनेट बाउंड्री कैसे होती है गाइस, डेफिनेट बाउंड्री अगर हम इसे कहीं पर रखेंगे तो ये अपनी बाउंड्रीज से, जिसकी बाउंड्री जो है बाउंड्री से इसकी बाहर नहीं जाता है सॉलिड। तो गाइस देखिए, ये है सॉलिड है, बोल्ड क्या है सॉलिड है, ये अपनी बाउंड्री से बाहर गया, ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से बाहर गया अगर हमने इसे यहाँ रख दिया तो। गाइस ये होता है सॉलिड डेफिनेट बाउंड्री। पर देखिए गाइस, रिग्ड ये क्या होता है, बहुत रिग्ड होता है, कठोर होता है गाइस। पर देखिए इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत रिग्ड होता है, इसलिए हम कंप्रेस नहीं कर सकते इसे। तो गाइस पर देखिए कि गाइस फिक्स्ड वॉल्यूम इसकी क्या होती है, सॉलिड जो है हमारा इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी जो होती है वो एकदम निश्चित रहती है, फिक्स्ड रहती है गाइस। तो ये था सॉलिड, मैंने आपको बताया गाइस। अब देखिए गाइस लिक्विड क्या होता है, सॉलिड तो हमने पूरा पढ़ चुके हैं गाइस। अब देखिए लिक्विड में देखेंगे आप, नो डेफिनेट शेप यानी कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर हमने इसे कप में रखा, देखिए गाइस कप में रख दिया हमने इसे, तो कप की शेप ले लेगा ये गाइस। अगर हमने इसे ग्लास में रखा तो ग्लास की शेप ले लेगा ये गाइस। फिर देखिए नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। अगर हमने इसे कहीं पर रखा, लिक्विड में एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर, वाटर को हमने कहीं रखा तो क्या हो जाएगा, अपनी बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। सो गाइस इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। पर देखिए फ्लूडिटी यानी कि ये बह जाता है ये, अगर हमने इसे कहीं पे रखा तो ये बह जाता है गाइस। पर देखिए लो कंप्रेसिबल, इसे ये क्या होता है, लो कंप्रेसिबल यानी कि हम इसे कंप्रेस तो कर सकते हैं पर लो कम कर सकते हैं, हम इसे कम कंप्रेस कर सकते हैं गाइस। पर देखिए फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी क्या होती है, एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वैसे ही लिक्विड की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी एकदम निश्चित होती है गाइस। हमने मैटर की ओल्ड स्टेट में हमने 2 स्टेट कवर कर ली है, सॉलिड और लिक्विड गाइस। पर देखिए गैस, अब देखिए थर्ड क्या है, ओल्ड स्टेट गैस, लास्ट भी गैस ही है गाइस। गैस क्या होती है, नो डेफिनेट शेप, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। डेफिनेट शेप कैसे नहीं होती है, और हम इसे कहीं पे, हमने बैलून है, बैलून में ही तो हमारे
एयर जा रही है, एयर जा रही है जब हम उसमें फूंक मार रहे हैं तो वो क्या है, एयर जा रही है उसके अंदर, तो ये क्या ले लेगा, बैलून की शेप ले लेगा। हमने इसे कंटेनर में रख दिया तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा। गाइस पर देखिए, नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। अगर हमने इसे कहीं पे रखा, किसी चीज में रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री से बाहर आ जाएगा। गाइस पर देखिए, फ्लूडिटी, इसकी भी क्या होती है, फ्लूडिटी होता है, मतलब कि इसे हम, ये फैल जाता है सब में। गाइस देखिए, हाई कंप्रेसिबल, मतलब कि इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि क्या होती है गाइस, हाई कंप्रेसेबल होती है ये, इसे हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। गाइस पर देखिए, नो फिक्स वॉल्यूम, इसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, कोई निश्चित कैपेसिटी नहीं होती है। गाइस देखिए, हमने तीनों स्टेट कवर कर लिए गाइस, मैटर की ओल्ड, तीनों स्टेट ओल्ड स्टेट कवर कर लिए गाइस। अब देखिए प्लाज्मा, बीईसी, प्लाज्मा क्या होती है, फर्स्ट तो देखिए, द स्टेट कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्गेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये जो होती है ये कॉन्सिस्ट करती है, प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा कॉन्सिस्ट करती है गाइस, प्लाज्मा सुपर एनर्गेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को कॉन्सिस्ट करती है ये स्टेट प्लाज्मा। गाइस फिर देखिए, द स्टेट, ये जो स्टेट जो है आर फॉर्म इन द आयनोसिड गैस, ये किसके फॉर्म पर है गाइस, आयनोसिड गैस के फॉर्म पर है, ये प्लाज्मा स्टेट जो है आयनोसिड गैस के फॉर्म पर है। द फ्लोरेंस फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये कहाँ पर होती है गाइस, एग्जांपल में फ्लोरोसेंट ट्यूब आप देखते होंगे, आप वॉल्स पे आप देखते होंगे लंबी लंबी गाइस टॉर्च लगी हुई होती है गाइस, लाइट्स लगी हुई होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उन्हें आप फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। इसे इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है इसमें। सो गाइस फिर देखिए गाइस, ये तो प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया, न्यू स्टेट में हमने प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। आप देखिए गाइस, बीईसी क्या होता है, बीईसी में देखेंगे यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, इन 1920 फिजिकिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। गाइस ये जो थे हमारे गाइस फिजिकिस्ट थे, एक इन नाइनटीन क्या थे, फिजिक्स थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या करी थी, बहुत सी कैलकुलेशन करी थी और इन्होंने फिफ्थ स्टेट बनाई क्या मैटर की, कब बनाई, 1920 में। तो गाइस पर देखिए, आइंस्टाइन प्रेसिडेट द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो थे गाइस आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट की थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि ये जो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे और ये आइंस्टाइन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने क्या करा, दोनों ने एकदम मिलके इस दोनों मिलकर इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट न्यू स्टेट बनाई मैटर की, इसका नाम रख दिया उन्होंने, नाम क्या रखा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। गाइस ये थी हमारी, हमने स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया है, हमने मैटर मैटर की क्या क्या स्टेट होती है। गाइस अब देखिए गाइस फिर देखिए कि ये जो होता है गाइस, स्टेट जो होती है मैटर की, एक चेंज कैसे करती है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट मैटर की स्टेट जो है वो कैसे चेंज होती है। गाइस देखिए, इसके टू प्रोसेस होते हैं गाइस, एक तो बाय चेंज टेम्परेचर, बाय चेंज प्रेशर। अब देखिए गाइस, टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है, देखिए कि गाइस हमने मान लिया कि सॉलिड है, सॉलिड से हमने आइस ले ली, लिक्विड में हमने वाटर ले लिया, गैस में हमने ले लिया वाटर वेपर। गाइस पर देखिए, जब हमने यहाँ पे
सॉलिड में आइस ली, तो आइस को क्या करेंगे, यानी कि ये सॉलिड जो है, सॉलिड को क्या करेंगे हम, जब हीटिंग देंगे, सॉलिड को जब हम हीटिंग देंगे तो क्या लिक्विड बन जाएगा, यानी कि आइस को जब हम हीट करेंगे सो क्या आइस क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा वाटर बन जाएगा। तो देखिए वाटर को फिर हम हीटिंग देंगे तो क्या बन जाएगी, लिक्विड को जब हम हीटिंग देंगे गैस, यानी कि जब हम वाटर को हीटिंग देंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। ऐसे जब हम गैस को दोबारा कूलिंग देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, यानी कि वाटर वेपर को हम कूलिंग देंगे तो वाटर बनेगा, लिक्विड को कूलिंग देंगे तो सॉलिड बनेगा, यानी कि वाटर है, वाटर को हम कूलिंग देंगे तो आइस बन जाएगा। गाइस ये टेम्परेचर से चेंज हुआ, पर इस पर इफेक्ट क्या हुआ टेम्परेचर से चेंज होने का, ये टेम्परेचर क्या हो रहा था जब हमने सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे तो क्या हीटिंग दे रहे थे, यानी कि ये क्या हो रहा था टेम्परेचर क्या हो रहा था हाई हो रहा था, और यहाँ जब हमने कूलिंग दे रहे थे क्या हो रहा था टेम्परेचर लो हो रहा था। सो गाइस क्या इफेक्ट पड़ा, टेम्परेचर यहाँ हाई होता है, हाई हुआ और लो हुआ। फिर गाइस देखिए प्रेशर से कैसे चेंज होता है, प्रेशर से ये गैस जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं गाइस, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक आपस से दूर दूर होते हैं, जब वो दूर दूर जो होते हैं पार्टिकल्स वो जब अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट देंगे, खींचेंगे, सो गाइस फिर क्या होगा, तो लिक्विड में चेंज होंगे जब अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर गाइस लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जब हम उसमें वो अट्रैक्ट होंगे जब वो, तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। गाइस अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा गाइस, हम देखिए एग्जांपल दे लेते हैं सिलेंडर का, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गाइस जब आप सिलेंडर में गैस गली हुई रहती है, गैस गली हुई रहती है, जब आप सिलेंडर पे क्या करेंगे प्रेशर डालेंगे, प्रेशर देंगे सिलेंडर के अंदर एक वो होता है गाइस, उसे जब आप प्रेशर डालेंगे उस पर तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जब प्रेशर डाला तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम उसे और प्रेशर डालेंगे तो क्या है सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। गाइस ये था एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, अब तक क्या हमने टू टॉपिक कवर कर लिए इस पार्ट के। फिर गाइस देखिए लास्ट है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में गाइस देखिए इवेपोरेशन में हमने टू स्टेट लेंगे मैटर की, टू स्टेट कौन कौन सी लेंगे, वो हम ओल्ड स्टेट में से टू स्टेट लेंगे, एक लेंगे हम लिक्विड, एक लेंगे हम गैस, इवेपोरेशन के लिए लिक्विड और गैस। लिक्विड गैस में यहाँ हमें करना क्या होता है कि ये जो लिक्विड जो होता है लिक्विड से हमें चेंज करना होता है गैस फॉर्म में, तो जब ये गैस फॉर्म में आता है इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, वो इवेपोरेट जब होता है लिक्विड गैस फॉर्म में। गाइस एग्जांपल ले लेते हैं, हम थ्री एग्जांपल लेते हैं कि परफ्यूम है, परफ्यूम को अब जब परफ्यूम को छिड़केंगे आप अपनी गाइस, ये आपकी हथेली है, पाम है, पाम है यानी कि हथेली होती है, उस पर आप छिड़केंगे, हमने छिड़का गाइस, जब हम उसको छिड़केंगे तो क्या होगा गाइस, जब हमने छिड़का देखिए छिड़क लिया तो ये हमें इसे पोछना वोछना नहीं है परफ्यूम को, हमने छिड़का रहने दिया गाइस, तो क्या हुआ आप देखेंगे कि वो जो लिक्विड था वो खुद ही खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है हमारी जो पाम है, पाम की जो हथेली जो है, ये जो जिसकी जो इतनी भी जिसकी गर्मी जो है इसकी, मेरे पाम की जो गर्मी है वो क्या होगा, मेरे पाम की गर्मी इसे इवेपोरेट कर देगी, लिक्विड को गैस में, गैस की फॉर्म में बदल देगी, इसे हम कहते हैं गाइस इवेपोरेशन। गाइस फिर देखिए गाइस सेकेंड एग्जाम्पल है गाइस, एक फ्लोर है यानी कि जमीन, जमीन पे आपके फ्लोर पे, आपने वहां पे फ्लोर पे क्या कर दिया, आपने वाटर डाल दिया फ्लोर पे जब आपने वाटर डाला गाइस, फिर क्या हुआ वाटर वहां आपने ऐसे ही रहने दिया, पोछा नहीं आपने वाटर को, क्या क्या होगा कि वाटर खुद ही कम होने लगेगा, आप देखेंगे कि वाटर खुद ही कम होने लगेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है इवेपोरेट हो जा रहा है गाइस, गैस फॉर्म में आ जा रहा है लिक्विड से। गाइस ये तो दो एग्जांपल, अब देखिए इफेक्ट क्या हुआ, देखिए कि ये देखिए अब कूलिंग जब हम देंगे इसको,
इवापोरेशन को कूलिंग देंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इवापोरेशन को कूलिंग देंगे तो। देखिए गाइस, जब हम इवापोरेशन को कूलिंग देंगे तो इवापोरेशन क्या होती है, गैस होती है। जब हम उसे क्या करेंगे, कूलिंग देंगे तो लिक्विड फॉर्म में वापस आएगा, क्यों आपको पता है गाइस। गाइस फॉर एग्जांपल समझते हैं गाइस, आपका पेन है, पेन यानी कि वैसा पेन नहीं आपको लिखने वाला, हैंड वो जो आपका होता है फ्राई पैन जो होता है, फ्राई पैन जो होता है जिसे हम तवा भी कहते हैं, उस तवे पे उस पैन पर क्या रखना है आपको, फ्राई पैन पर उसको उसे गर्म कर देना है। उसे गर्म कर लिया जब हमने फ्राई पैन को, देखिए गर्म कर लिया उस पर हमने, जब हम गर्म कर देंगे और गैस को बंद कर दिया हमने, तो उस पर क्या करेंगे हम लिक्विड डाल देंगे या थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि वाटर एकदम से क्या होगा, एकदम से वाटर क्या हो जाएगा गाइस, गैस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में, क्योंकि जब आप उसको गर्म करेंगे तो गाइस गैस फॉर्म में आया, लिक्विड तो बहुत ठंडा होता है इसलिए कूलिंग थी तो गैस फॉर्म में आ गया। तो गाइस हम फिर इसे जब गैस को आपने बंद कर देना है तो क्या होगा, फिर वो धीरे 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 फिर लिक्विड में आ जाएगा गाइस, लिक्विड फॉर्म में बदलता जाएगा, वाटर जो हमने डाला था फ्राई पैन पे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब आप गैस को बंद करेंगे तो धीरे धीरे फिर से वो कूलिंग कूलिंग हो रही है, क्योंकि जब आप गैस को खोलेंगे तो हीटिंग हो रही है और कूलिंग हो रही है गाइस, ये होता है। तो गाइस ये था आज का मेरा टॉपिक गाइस, हमने गाइस हमने क्लास 9th का ये जो चैप्टर है हमने पूरा कवर कर लिया है गाइस, दो पार्ट्स में हमने कवर कर लिया गाइस। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।